नमस्कार, मैं आचार्य लोकेश धमीजा। न्यूमरोलॉजी राशिफल में आज बात करते हैं 18 नवंबर 2021 की। मूलांक नंबर एक, जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर एक। पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी पर आप उनको अच्छे से पूरा कर पाएंगे। जॉब में कुछ नए अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा। किसी दोस्त से आज मदद भी प्राप्त हो सकती है। फ्री में किसी से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना अवॉइड करें, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर दो की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर दो। आज का दिन सामान्य रहेगा। बिजनेस से रिलेटेड छोटी जर्नी करनी पड़ सकती है। आज यात्राएं लाभकारी रहेंगी। मदर की खराब चल रही हेल्थ में आज सुधार आएगा। चांदी के गिलास में आज पानी पिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर तीन की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर तीन। दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। किसी नए काम को शुरू करने का प्लान भी बना सकते हैं। अपने एरोगेंस पर आज काबू रखिए। पढ़ाई को लेकर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। पिता की सलाह से आज कार्य संपूर्ण होंगे। अपनों से बड़ों का आज सम्मान कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर चार की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर चार। ऑफिस में किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लें। आज कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। कोई शॉर्टकट तरीका अपनाने से आज बचे और पुलिस के मामलों से भी दूर रहे। यदि कुछ समस्या लगे तो एक श्रीफल अपने ऊपर 7 बार उल्टा वार कर जल प्रवाह कीजिएगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर पाँच की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर पाँच। आज भाई बहन के बीच चल रहा विवाद आज खत्म हो जाएगा और बातचीत से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें। आज आपकी बातें दूसरों को बुरा लग सकती हैं। यदि कुछ समस्या लगती है तो हरे रंग के कपड़ों का परहेज कीजिए। अब बात करते हैं मूलांक नंबर छः की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर छः। आज फैमिली के साथ किसी दोस्त के घर डिनर पर जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। आज अपने उतावलेपन पर भी काबू रखें। जीवन साथी को लाल गुलाब भेंट करें, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर सात की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर सात। आज के दिन कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। चलते काम को कल पर टालना भारी पड़ेगा। नेगेटिव विचार रखने वाले व्यक्तियों से आज दूरी बनाए रखें। किसी खास दोस्त से कहा सुनी भी हो सकती है। केसर का तिलक लगाना आपको लाभ देगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर आठ की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर आठ। आज व्हीकल या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। बिजनेस में पार्टनरशिप के बारे में भी सोच सकते हैं। ड्राइविंग करते समय आज थोड़ा सावधानी बरतें, दुर्घटना होने की संभावना है। शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक चलाइए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 9 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 9। बिजनेस के सभी प्लान आज पूरे होंगे। ऑफिस में जूनियर स्टाफ की मदद मिलेगी। सोशल वर्क में आज आपकी रुचि बढ़ेगी जिससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। बेकार के लड़ाई झगड़ों से आज दूर रहिएगा। आज किसी से झूठ ना बोलिए, अपशब्द ना बोलिए, आपको लाभ मिलेगा। आज हमने बात की 18 नवंबर के राशिफल की। कल मिलते हैं 19 नवंबर के राशिफल के साथ। नमस्कार।